दोस्तों नमस्ते। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि 2021 में सिर्फ और सिर्फ 51 शुभ मुहूर्त है जिस पर बजेगी शहनाई, और जनवरी से मार्च तक सिर्फ एक ही दिन ऐसा होगा जो विवाह के लिए है शुभ। नया साल शुरू होते ही जिन परिवारों में शादी होनी होती है वह शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेने लगते हैं। हालांकि 2021 में शुभ मुहूर्त बहुत कम है। नया साल शुरू होने जा रहा है और नया साल शुरू होते ही जिन परिवारों में शादी होनी होती है वह शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेने लगते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि 2021 में कौन कौन से शुभ मुहूर्त पड़ रहे हैं। बात अगर विवाह मुहूर्त की करें तो वह 2021 में बहुत कम है। पहले महीने में सिर्फ एक ही शुभ मुहूर्त पड़ेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार जनवरी 2021 में सिर्फ 18 जनवरी को ही शुभ मुहूर्त है। इसके बाद लंबे समय तक शादी के लिए शुभ मुहूर्त नहीं बनेगा। 18 जनवरी बृहस्पति और शुक्र ग्रह के कारण साल के शुरुआती महीनों में शादी नहीं हो पाएगी। मकर संक्रांति के बाद 19 जनवरी से 16 फरवरी तक गुरु तारा अस्त है, इस दौरान भी शादी नहीं होगी। 16 फरवरी से शुक्र तारा के अस्त होने की वजह से विवाह नहीं होंगे। 17 अप्रैल तक यह स्थिति बनी रहेगी। 2021 का दूसरा विवाह का शुभ मुहूर्त 22 अप्रैल को होगा। 22 अप्रैल के बाद से देव शयनी एकादशी 15 जुलाई तक विवाह के 37 विवाह मुहूर्त पड़ेंगे। 15 नवंबर को देव उठनी एकादशी से 13 दिसंबर तक विवाह के लिए कुल 13 मुहूर्त होंगे। साल 2021 में विवाह मुहूर्त कब कब है मैं आपको बताती हूँ। जनवरी 18 जनवरी 2021 और अप्रैल में है 22 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल, 27 अप्रैल, 28 अप्रैल, 29 अप्रैल और 30 अप्रैल 2021। और मई में है 1 मई, 2 मई, 7 मई, 8 मई, 9 मई, 13 मई, 14 मई, 21 मई, 22 मई, 23 मई, 24 मई, 25 मई, 26 मई, 28 मई, 29 और 30 मई 2021। और जून में है 3, 4, 5, 16, 20, 22, 23 और 24 जून 2021। और जुलाई में है 1, 2, 7, 13 और 15 जुलाई 2021। नवंबर में है 15, 16, 20, 21, 28, 29 और 30 नवंबर 2021। और दिसंबर में है 1, 2, 6, 7, 11 और 13 दिसंबर 2021। 2021 में 16 फरवरी को बसंत पंचमी है। इसे शादी जैसे मांगलिक कार्य के लिए अबुझ मुहूर्त माना जाता है, लेकिन इस दिन सूर्योदय के साथ ही शुक्र तारा अस्त हो जाएगा, इस कारण इस दिन भी विवाह का योग नहीं बन रहा है। धन्यवाद दोस्तों।